सो यस गाइस, आज की स्पाइसी वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और बेहतरीन वाला आयरन फार्म, जो कि हमें प्रोड्यूस करेगा इनफिनाइट नंबर ऑफ आयरन। सो आप सभी का स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड नंबर फोर में। एंड या मैम, मेरे को पता है मैं वापस से लेट हूँ मैम। मैं बार बार इतना धीरे धीरे वीडियो क्यों ला रहा हूँ उसकी वजह मैं बताऊँगा। ऐसे मतलब मैंने मम्मी पापा से थोड़ा ऐसे आइसक्रीम मांगने लगा था, तो मम्मी पापा ने मेरे को ऐसे पानी में फेंक दिया था, तो वापस से ऐसे तैर के मैं निकला हूँ। अच्छा तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आयरन गोलम का फार्म। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले विलेजर चाहिए थे। तो मेरे जो यहाँ पे विलेज है, यहाँ पे भाई एक भी विलेजर नहीं, सारे के सारे डिस्पोन हो गए पता नहीं क्यों। तो ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार ब्लॉक दूर से मैं इन सब को लाया हूँ, मतलब दो विलेजर को लाया, फिर ब्रीड वीड करवाया इनको। तो भाई बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, मतलब मैंने 2 दिन इनको लाने में ही बिता दिया अपने रियल लाइफ के 2 दिन। भाई इतना दिमाग ख़राब हो रहा है इनको लाने में, वो भी क्योंकि बोट से लाया मैं, रेलवे से नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है बोट से आप ज़मीन पर चलो तो। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम बनाएंगे इनसे आयरन गोलम का फार्म, इनका पूरा पूरा फ़ायदा लेंगे। एंड जब मैं इनको ट्रैवल करवाने के लिए ले जा रहा था, तो मेरे को बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें मिली, जिनको हम आगे की वीडियो में एक्सप्लोर जरूर करेंगे। एंड साथ ही साथ कुछ नए दोस्त भी बने हमारे, अभी आपको उनसे मतलब ऐसे रूबरू करवाता हूँ। तो हमारा सबसे पहला दोस्त हमारे एक अंकल जी आए हुए हैं। देखो मेरा पहला तोता बोपटलाल यहाँ पे है ही, एंड ये रहा हमारा नया तोता, ये है रिंकिया के पापा। एक्चुअली रिंकिया मतलब जो इनकी बेटी थी वो ससुराल चली गई शादी करके, तो ये बेचारे अकेले थे, तो मैं इनको अपना पालतू बना के ले आया। तो अब ये हमारे साथ ही रहने वाले हैं। तो मैं तुम्हारे सीने में भाला घुसेड़ दूंगा। ये हमारे घोड़े, तो आपको पता ही होगा ये ब्राउन वाला तो बहुत पहले से था। ये जो हमारा नया नया ब्लैक कलर का जो हॉर्स आया है, इसका मैंने अभी तक नाम तो नहीं सोचा, पता नहीं लेकिन किसका हॉर्स है ये भी नहीं पता। किसका बच्चा है? क्या तू किसका बच्चा है? मेरे मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा? मेरा बच्चा, मेरा। अच्छा अच्छा ठीक है भाई बैन, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, मैंने ये ब्राउन वाले घोड़े का नाम बैन रखा है। एंड ये इसका घोड़ा है, तो इसका नाम मैं रखूंगा बैन का घोड़ा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। यस यस, बैन और उसका घोड़ा, ऐसे नाम रखना चाहिए क्योंकि बैन हमारी ऐसे घोड़ी है, मतलब लड़की है, एंड बैन हमारा घोड़ा है। अब ये मत पूछना कि मेरे को कैसे पता चला। ओके, तो अब चलते हैं हम आयरन गोलम का फार्म बनाने। तो उसके लिए मेरे को बहुत सारा सामान चाहिए, मैंने मोस्टली सामान इकट्ठा कर लिया, बस उधर ले जाना है कुछ कुछ बना के। तो लेट्स गो, सब कुछ सामान ले लेते हैं अपना। फ्लैचिंग टेबल हमें 20 बनानी है, बेड बहुत सारे बनाने हैं, तो एक एक करके इकट्ठा करते हैं। ओके, तो हमें 20 वर्क स्टेशन की ज़रूरत थी। एंड सबसे ईजी बनाना जो चीज़ है वो है हमारे लिए फ्लैचिंग टेबल। तो मैं बहुत सारी फ्लैचिंग टेबल बना लेता हूँ, ऑलमोस्ट 20 फ्लैचिंग टेबल ही बना लेते हैं, मतलब कभी ट्रेड व्रेड करना हो तो इन्हीं से कर लेंगे। एंड साथ ही साथ मैं बना लेता हूँ बहुत सारे बेड, हमें कम से कम 20 बेड की भी ज़रूरत है, क्योंकि एकदम स्मॉल विलेज टाइप ही बनाना है। तो वो जॉम्बी वाला मेथड इसमें काम नहीं करता, मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा कैसे कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मेरे को बहुत सारे बेड बनाने हैं। तो हमें विलेजर्स को भी वहाँ पे ले जाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा दूर है वो चीज़ जहाँ पे मैं बनाऊँगा फार्म। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए आयरन, तो पहले मैं बकेट रख देता हूँ अपनी, ये मेरी बकेट का कोई काम नहीं अब, ठीक है। तो अब ले लेते हैं आयरन, इससे बनानी है हमें माइनकार्ट, और मेरे पे रेल्स वेल्स भी हैं, इनको भी यूज़ करना है। सबसे पहले हम बनाते हैं माइनकार्ट। तो माइनकार्ट कैसे बनती थी छोड़ो, रेसिपी बुक से ही देख लेते हैं। तो एक माइनकार्ट सही रहेगी, एक एक करके सब विलेजर्स को ले जाएंगे। एंड इसमें मेरे पे रेल्स भी होंगी, इसमें नहीं है शायद, नीचे वाले में थी रेल्स, हाँ इसमें रील्स है, तो ये हम उठा लेते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। सो ओके गाइस, मैंने सारे विलेजर्स यहाँ पे ला दिए हैं, ब्रीड करेंगे यहाँ पे एक एक करके, और सारे के सारे विलेजर्स और भी ज़्यादा पैदा होंगे, ठीक है। तो सब काम यहीं पे होगा, इनके नीचे में इनके बेड्स हैं, वर्क स्टेशन भी लगा दिए मैंने। तो और ये पीछे जो मेरे देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे कचरा है, भाई साहब इस पर ध्यान मत देना, ऑलमोस्ट मेरा 4-5 घंटा बर्बाद हुआ। मैं दूसरे तरीके से आयरन फार्म बनाने की कोशिश कर रहा था, भाई साहब क्या ही बताऊँ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, इस वजह से वीडियो डिली इसी वजह से हुई है। तो लेट्स गो, अब चलते हैं अपने आयरन फार्म को कम्प्लीट करने की तरफ।
गाइस, तो हमारा ये सब कंप्लीट हो चुका है। मैंने दोनों साइड पानी डाल दिया है ताकि आयरन गोलम जो स्पॉन हो वो आ सके हमारी तरफ। एंड अब मेरे को किलिंग चैम्बर बनाना है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ लावा लेने। एंड यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक हॉपर, यहाँ पे लगा लेते हैं। एंड यहाँ पे हम हमारी आ जाएगी दोनों के दोनों चेस्ट। एंड अब यहाँ पे बना लेते हैं एक अपना लिए किलिंग चैम्बर, अपने लिए नहीं मतलब आयरन गोलम के लिए। तो यहाँ पे मैं लावा डालूंगा एंड ये सब बन चुका है हमारा। तो मतलब आयरन गोलम आएगा वहाँ पानी से एंड इसमें जाके मर जाएगा एंड सब कुछ चेस्ट में कलेक्ट होगा। छोटी बच्ची हो क्या? ठीक है, तो एकदम शॉर्ट है सब कुछ, बस आयरन गोलम कहीं और वॉर स्पॉन ना हो। तो बेसिक इसका मैं बता देता हूँ कैसे कैसे वर्क करता है ये। मतलब सबसे नीचे वाले लेयर पे बेड वेड है, उसके ऊपर मैंने विलेजर्स रखे हैं जिसके पास में वर्क स्टेशन है। तो 20 विलेजर्स होने चाहिए क्योंकि बेड रॉक एडिशन में वो जॉम्बी वाला मेथड काम नहीं करता। अब आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन होंगे पानी में गिरेंगे, आगे जाएंगे एंड वो लावा में जल के सीधा मर जाएंगे एंड चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगा उनका। तो ये वर्किंग है। एंड बीच बीच में कैट वैट भी स्पॉन हो जाएगी तो उसका कोई फर्क नियम पड़ता। तो यहाँ पे देखो कैट वैट स्पॉन होने लगी। एंड गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पहला आयरन गोलम आ चुका है एंड ये भी मर रहा है। तो देख लेते हैं कि ये फार्म अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। मतलब देखो आयरन गोलम तो स्पॉन हो गया एंड ये लावा सब मर रहा है एंड हॉपर में चल जाएगा एंड ये सब जाएगा सीधा का सीधा हमारे चेस्ट में। तो हमारे चेस्ट में भी आयरन आ रहा है, तो एकदम कम्प्लीटली वर्किंग है फार्म। तो अब देखो, अब ये आयरन गोलम फार्म को पूरा मैं सजाऊंगा एंड साइड साइड में जो कचरा किया हुआ है मैंने उसको क्लीन करूंगा। एंड द काउंट डाउन स्टार्ट, 3, 2, 1। सो ओके गाइस, हमने कंप्लीट कर दिया है पूरा का पूरा आयरन गोलम का फार्म। साइड साइड में जो भी कचरा था वो क्लीन कर दिया एंड कम्प्लीटली एकदम अच्छे से बना दिया। यहाँ पे देखो मैंने कलेक्टिंग सिस्टम भी अच्छे से बना दिया एंड साइड साइड में ये सब सजा दिया है थोड़ा सा ऐसे। ये सब मतलब आयरन गोलम को साइड साइड में स्पॉन होने से भी बचाएंगे। लीव जितने भी हो गए, ये जितने भी पाथ वाथ बनाए, ये सब मैंने इसलिए बनाया ताकि थोड़ा सजाया हुआ भी लगे एंड आयरन गोलम भी यहाँ पे स्पॉन ना हो, सीधा सेंटर में स्पॉन हो एंड जाके मर जाए। तो ये सब कम्प्लीटली हमने बहुत देर में जाके बना लिया है एंड ऑलमोस्ट एक घंटे से मैं यहाँ पे हूँ। एंड दिखाता हूँ आपको कि मैंने कितने ज़्यादा यहाँ पे कलेक्ट किए, एक मिनट दिखाता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इजी तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था इस फार्म को बनाना, कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया लेकिन कोई बात नहीं। एंड ओ भाई ये देखो, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभी कैट एक साथ आती है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं। धीरे धीरे करके ये फार्म स्पीड अप होते रहेगा एंड इंप्रूवमेंट करते रहूँगा इस फार्म में। आपको कैसे लगा फार्म बताना। एंड ऑलमोस्ट एक घंटे तक मैंने जब तक ये सजाया बजाया तो मेरे को मिल गया ऑलमोस्ट 222 आयरन्स। तो ये इनफ है, अभी स्पीड अप होगा धीरे धीरे करके प्रोसेस। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगले माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड में कुछ ज्यादा ही इनसेन होने वाला है एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय। निकल, पहली फुर्सत में निकल।